हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे आई विल टीच यू अकाउंटिंग इक्वेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेकंड पार्ट। ओके, इन सेकंड पार्ट आई हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम दैट इज लिटिल बिट इजी फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ओके, दिस इज योर फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हेडिंग accounting equation. Okay, next here transaction serial number, then transactions, and this is equal to liabilities plus capital. प्लस कैपिटल, ओके। देन फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, तो यू हैव टू मेक कॉलम ऑफ कैश एंड स्टॉक। ओके, तो दिस विल इफेक्ट कैश, कैश विल इंक्रीज बाय 30,000, स्टॉक विल इंक्रीज बाय 10,000, एंड योर कैपिटल एट द सेम टाइम इंक्रीज विथ 40,000. That is 30 plus 10 is equal to this. Okay. Now, equation. Equation mein aa jayega aapka plus 30,000 plus 10,000 is equal to 40,000. Okay. Next transaction is purchase goods for cash 20,000 and on credit 15,000. Okay. तो टोटल गुड्स विल इंक्रीज, स्टॉक विल इंक्रीज बाय हाउ मच? 20,000 प्लस 15,000, दैट इज 35,000, एंड योर कैश विल रिड्यूस एट द सेम टाइम विथ 20,000 ओनली, बिकॉज कैश परचेजेस आर 20,000, एंड फॉर 15,000 योर लायबिलिटीज विल इंक्रीज बिकॉज यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000. ओके, तो ये कितना आ गया आपका न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बिकम्स 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 40,000. ओके, तो इधर कितना टोटल हो गया आपका 55,000, और इधर कितना है 55. मैंने कल भी बोला था कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू टैली दिस इक्वेशन. ओके, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. नाउ थर्ड पॉइंट इज, थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.13%, 3/4 ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश. So it is little bit ठीक, and profit is 33 1/3 is always equal to 1/3 होता है, तो 24,000 का आपने 1/3 निकाला, 8,000 है. प्रॉफिट को कॉस्ट में प्लस कर दीजिए तो टोटल सेल्स आ जाएंगी आपकी 32,000 की, एंड 3/4 ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, तो इसका मतलब ये कैश सेल्स कितनी हो गई, 3/4 ऑफ 32,000 इज इक्वल टू 24,000. ओके, 24,000 कैश सेल्स हो गई, तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दे तो इट बिकम्स क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 8,000. ओके, अब आप क्या करेंगे देखिए, इसमें ट्रांजेक्शन में कैसे करेंगे आप, योर कैश विल इंक्रीज बाय 24,000 क्योंकि कैश सेल्स आपकी 24,000 की है. स्टॉक इज ऑलवेज रिड्यूस्ड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 24,000. ओके, एंड डेटर्स विल इंक्रीज बाय क्रेडिट सेल्स, दैट इज 8,000. ओके, एंड दिस इज दिस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज हाउ मच, 1/3 था 8,000, 8,000 इज एडेड टू कैपिटल. प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होता है, और अगर लॉस या एक्सपेंस हो तो डिडक्ट होता है. ओके, तो नाउ न्यू इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू 24 + 10 34,000 प्लस
जीरो 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 वन एंड टू 21,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 48,000। तो आप चेक कर सकते हो 58 एंड ये हो गया 63 और इधर कितना आ रहा है आपका 34 प्लस 21 51 3/4 ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 24,000 हुआ और प्रॉफिट जब 33 वन बाय थ्री दिया तो ये इज इक्वल टू 1/3 होता है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 24,000 दैट इज 8,000। ओके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स दैट इज 32,000 एंड 3/4 ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो 3/4 ऑफ टोटल सेल्स 32,000 का निकालोगे तो आप कितना आ गया 24,000 आ गया। 24,000 अगर आपकी कैश सेल्स है तो 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8,000 क्रेडिट सेल्स आ गए। अब आप देखिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में आप कैसे पुट करोगे कि आपका कैश विल इंक्रीज बाय 24,000 ठीक है, स्टॉक विल रिड्यूस बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 24,000 एंड डेटर्स विल इंक्रीज बाय 8,000 बाय क्रेडिट सेल। ओके एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 दैट इज एडेड टू कैपिटल। ओके तो ये न्यू इक्वेशन कितनी आ गई आपकी 10 प्लस 24 34,000 प्लस 21,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 15 प्लस 48 63,000 इज इक्वल टू 63,000 हो गया। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव्ड इन कैश। ओके हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दिस कॉस्ट प्राइस इज 20,000 इज कॉस्ट प्राइस एंड 5% लेस लॉस है तो 5% ऑफ दिस इज इक्वल टू 1,000 प्रॉफिट आपने पिछले वाले ट्रांजेक्शन में ऐड किया था लॉस को हमेशा माइनस करते हैं तो इट बिकम्स 19,000 इसका मतलब टोटल सेल्स आपके 19,000 की है। ओके इसमें से आपकी कैश सेल्स कितनी है कैश यू आर रिसीविंग कैश ऑफ रुपीज 12,000 तो कैश सेल्स हो गई आपकी 12,000 की। रिमेनिंग 7,000 क्या हो गया आपका 7,000 इज क्रेडिट सेल। तो हाउ विल यू पुट दिस इन अकाउंटिंग इक्वेशन देखो स्टॉक ऑलवेज रिड्यूस बाय कॉस्ट प्राइस इज 20,000 ओके एंड कैश सेल्स आर हाउ मच कैश सेल्स आर 12,000 इससे कैश इंक्रीज होएगा। ओके क्रेडिट सेल्स से क्या होगा डेटर्स बढ़ेंगे तो प्लस 7,000 देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 1,000 5% लॉस है तो लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ओके तो यहां पर आपका कितना आ गया न्यू इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं न्यू इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस 46,000 और यहां पे 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1,000 ओके 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 47,000 तो देखो आपका इधर 46 प्लस 1 47 प्लस 15 इधर है तो आपके ये अगेन अकाउंटिंग क्वेश्चन बिकम्स इक्वल। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 2,000 एंड रेंट 4,000 जब आप पेमेंट कर रहे थे इसका मतलब कैश रिड्यूस हो रहा है कैश रिड्यूस बाय 2,000 प्लस 4,000 6,000 से कैश रिड्यूस हो गया और ये दोनों क्या है आपके एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा। ओके तो ये कितना आ गया आपका न्यू इक्वेशन आ गई आपकी 46 माइनस 6 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 47 से 6 गए तो 41,000 इट बिकम्स 56 हियर एंड 56 इधर हो गया आपका। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव फ्रॉम डेटर्स 10,000 डेटर से रिसीव कर रहे हो तो इट मींस यू आर रिसीविंग कैश कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश में 10,000 प्लस होएगा और डेटर्स दे रहे हैं आपको तो डेटर्स माइनस होंगे बाय 10,000 नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड। ओके
तो न्यू इक्वेशन कम्स लाइक दिस. न्यू इक्वेशन ये 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50,000 हो गया, प्लस 1,000 प्लस 15 माइनस 10 5,000 ओके इज इक्वल टू 15,000 प्लस 41,000. तो इधर का टोटल कितना आ रहा है, 41 प्लस 15 आपका आ रहा है 56, और इधर का भी आप चेक कर सकते हैं, इधर का भी 51 प्लस 5 56 आ रहा है. इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 10,000. फ्रेश कैपिटल आपका बिजनेस में आ रहा है बाय 10,000 ठीक है, और एट द सेम टाइम कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10,000. नाउ न्यू इक्वेशन कम्स लाइक दिस, 60,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 51,000. तो इधर कितना हो गया 66 हो गया, और इधर भी 66 हो गया. आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद चेक करना है ताकि लास्ट में आपको ये ना हो कि हमारा गलत है, फिर आपको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. ओके, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 6,000 फॉर ऑफिस एंड 2,000 फॉर डोमेस्टिक यूज. अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है और यहाँ पे ये कैश परचेज ऑफ फर्नीचर है, तो आपका कैश विल रिड्यूस बाय हाउ मच. कैश रिड्यूस हो रहा है 6 प्लस 2 8,000 से, और इसमें से क्या है आपका फर्नीचर का एक कॉलम बन जाएगा. ठीक है, फर्नीचर जो आपने ऑफिस यूज के लिए लिया है सिर्फ वही फर्नीचर ऐड करना है. ओके, तो ऑफिस यूज के लिए कितना है 6,000 का फर्नीचर है, और जो आपका ये 2,000 का फॉर डोमेस्टिक पर्पस है, दिस इज ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होएगा 2,000. तो अगेन आप चेक कर सकते हो इक्वेशन को, इधर देखिए माइनस 8 प्लस 6 2,000 हो गया माइनस 2,000, और इधर भी माइनस 2,000 हुआ है. ओके, अब आप देखिए लास्ट की इक्वेशन को हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन. फाइनल इक्वेशन कितना, 60 माइनस 8 आपका हो गया 52,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 49,000. इधर का टोटल कितना आ रहा है, 49 प्लस 15 आ गया आपका 54, और इधर कितना आएगा 52 प्लस 153 54. तो आप ये चेक कर सकते हैं आपका एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ गया. दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग क्वेश्चन. ठीक है,